सिंधी युवा संघ ने हेमू कलानी की बलिदान दिवस पर निकाली रैली। प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर किया याद हेमू कलानी, अमर रहे के लगे नारे। देश के लिए बलिदान देने वाले हेमू कलानी का आज बलिदान दिवस। इस मौके पर झूलेलाल मंदिर से सिंधी युवा संघ ने एक रैली निकाली जिसमें हेमू कलानी अमर रहे के नारे लगाए गए। इसके पश्चात सभी ने झूलेलाल मंदिर स्थित हेमू कलानी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें याद किया और उन्होंने कैसे अपने देश के लिए बलिदान दिया था वो भी बताया गया। शहीद हेमू कलानी का शहादत का दिवस है। शहीद हेमू कलानी सन 1923 में उनका जन्म हुआ था 23 मार्च को, और सन 1943 में उनको अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने की फांसी हुई थी। हेमू कलानी का जीवन केवल 19 वर्ष का था। 19 वर्ष में उन्होंने वो काम किए, देश के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर राष्ट्र के लिए काम किए और एक ट्रेन को, जो बारूद से बड़ी हुई ट्रेन को उड़ाने के चक्कर में उनको फांसी की सजा हुई। जब वो पकड़े गए तब उनसे पूछा गया कि आपके दोस्त कौन थे, तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त दो थे, छेणी और हथौड़ी। और आज हम उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। वो उसी श्रेणी के बलिदानी युवक थे जिसके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। उसी श्रेणी के वो क्रांतिकारी थे और उन्होंने देश के लिए बलिदान किया। सिंधी युवक होने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान के लिए उनका बलिदान हुआ था। आज क्या है? आज उनका शहादत दिवस है, बलिदान दिवस है। हम उनका सुबह प्रातःकाल रैली निकाल के, सिंधी युवा संघ ने रैली निकाली है आशाकंद से जो यहाँ आके समाप्त हुई है। भारतीय हिंदू सभा ने पूर्व संध्या में कार्यक्रम किया और अभी यहाँ शहीद हेमू कलानी चौक पर उनका बलिदान दिवस श्रद्धा सुमन करके कर रहे हैं। मोहन कोटवानी, सिंधु सभा, संगठन मंत्री। आज भारत के सपूत शहीद हेमू कलानी की शहादत का दिवस है। आज ही के दिन अंग्रेजों ने उनको फांसी पे लटकाया था। उन्होंने यह बीड़ा उठाया था कि इस देश की आज़ादी के लिए इस अंग्रेजों को कैसे यहाँ से भगाया जाए। उसी के निमित्त जब अंग्रेजों की एक बारूद से भरी हुई गाड़ी वहाँ से निकल रही थी तो इनके दो मित्रों ने मिलकर के तीन जनों ने उसकी पटड़ियाँ उखाड़ने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर पुलिस आ गई और दो इसके साथी तो निकल गए लेकिन ये एक पकड़ा गया। इनसे ये पूछा गया कि तुम्हारे दो साथी बताओ, उसके नाम बताओ तो हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। लेकिन इस सपूत ने किसी का नाम नहीं बताया और उसने सिर्फ यही कहा कि मेरा ये पाना और ये मेरा हथौड़ा यही साथी है, और उसने अंत तक किसी के नाम नहीं बताए और खुद फांसी पे चढ़ गया। ऐसे सपूत का आज शहादत दिवस है, उसके निमित्त उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए। कल उनके पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलित किए गए थे महाराजा दाहिर सिंह स्मारक पे, जहाँ पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और ऐसे सपूतों को याद करके हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवा शक्ति है, उनको ध्यान दिलावें कि अपना कैसे बलिदान किया है अपने सपूतों ने, उसके पद चिन्हों पर चल करके हमारे इस भारत की कैसे सेवा करनी चाहिए, और यही इसकी प्रेरणा का आज का दिन है। तुलसी सोनी, सेवाधारी।